गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपके सब अच्छे होंगे। हमारे करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत में यदि किसी जज के खिलाफ दुराचार के आरोप लग जाते हैं या छेड़छाड़ के आरोप लग जाते हैं तो उसकी जांच प्रक्रिया क्या क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है और इसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं, परिणाम क्या क्या होते हैं, किस कंडीशन में जाँच की जाती है, किस कंडीशन में जाँच नहीं की जाती, कौन कौन से न्यायाधीश इसके क्षेत्राधिकार में आते, कौन से नहीं आते, वो सारे के सारे फैक्ट्स इस लेक्चर सीरीज के दौरान कवर करें। लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने से पहले यदि ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि ये चैनल वैल्यूबल लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। कफाला प्रणाली। पहली बात तो ये कफाला प्रणाली है क्या? कफाला प्रणाली यदि विदेश के अंदर कोई रोज़गार करने जाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो विदेश में गया और उसने रोज़गार की तलाश की और उसने वहाँ रोज़गार शुरू किया। उसको एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, उसके एक मध्यस्थ की ज़रूरत होती है, एक स्पॉन्सरशिप करने वाले की ज़रूरत होती है और जो उसको स्पॉन्सरशिप करता है उसकी परमिशन के बगैर फिर वो उस देश को छोड़ नहीं सकता या उस देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता। इसको कहते हैं कफाला प्रणाली। अब इस कफाला प्रणाली की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि कतर ने 2019 के अंत तक अपने देश के अंदर जो कफाला प्रणाली है, जो एग्जिट वीजा को प्रतिबंधित करती है बगैर स्पॉन्सरशिप के परमिशन के, उसको ख़त्म करने के लिए घोषणा की कतर ने। इसके तहत क्या है कि हर प्रवासी को एक स्थानीय, और वो स्पॉन्सर भी कैसा होना चाहिए? स्थानीय होना चाहिए, तभी वो वहाँ पर जॉब कर सकता है, वरना जॉब नहीं कर सकता। तो इसलिए इसे मॉडर्न डे स्लेवरी या मौजूदा दौर की गुलामी प्रणाली भी कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कफाला प्रणाली को, तो पहली बात तो कफाला प्रणाली क्या होती है कि जो अरब कंट्रीज होती हैं वहाँ पर रोज़गार करने के लिए किसी स्थानीय स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है और उस स्थानीय स्पॉन्सरशिप के बिना उस देश को छोड़ नहीं सकते या दूसरे देश में जाकर के रोज़गार नहीं कर सकते। यानी कि एक एग्जिट वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रणाली है और इसको ख़त्म करने की घोषणा की है किसने? कतर ने 2019 तक। क्योंकि कतर के अंदर 2022 में फुटबॉल का विश्व कप का आयोजन होगा तो इसलिए उन्होंने कफाला प्रणाली को ख़त्म करने की घोषणा की। इसके अलावा एक चक्रवात तूफानी साइक्लोन फनी या तूफान फनी हमारे जो बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश है और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों में ये तूफान फनी के आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये कोस्ट कैसा तूफान होगा? गंभीर साइक्लोनिक तूफान होगा या गंभीर चक्रवाती तूफान होगा और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप के दक्षिणी पूर्व में एक जो कम दबाव का क्षेत्र है वहाँ से हुई। साइक्लोन फनी कहाँ पर आ रहा है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं में आ रहा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप के दक्षिणी पूर्व के जो लो प्रेशर सेंटर है उसमें इसकी उत्पत्ति हुई। अभी साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दो तरह के साइक्लोन हो सकते हैं, समशीतोष्ण या टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं या तूफान होते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये केवल और केवल समुद्र की सतह पर ही उत्पन्न होते हैं और जो मकर रेखा के बियॉन्ड, मकर रेखा या कर्क रेखा के बाद में जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं उनको समशीतोष्ण साइक्लोन कहते हैं। ये स्थल और जल दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो वायु की दिशा है वो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा वायु के पवनों की दिशा घड़ी की दिशा में होती है, यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चीन सागर और प्रशांत महासागर में इसको टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। इसके अलावा जो कैरेबियन सागर है, अटलांटिक महासागर और वेस्टइंडीज अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में इसको हुरिकेन कहते हैं या तूफान कहते हैं या हरिकेन कहते हैं। हरिकेन पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की जो गिनी भूमि है वहाँ इसको बवंडर या टोर्नेडो कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की भूमि पर क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली और हिंद महासागर में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अंदर इसे टोर्नेडो, कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर और वेस्ट इंडीज है वहाँ इसको हरिकेन और चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून। चीन सागर प्रशांत महासागर में टाइफून, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिम अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में टोर्नेडो, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली और हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनको कहते हैं। चक्रवात बेसिकली होते क्या है कि यह साइक्लोन बेसिकली होते क्या है? निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जिनके केंद्र के चारों तरफ सम दाब वायु रेखा
समुदाय वायु रेखा विस्तृत होती हैं और केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है परिदेशीय वायु किधर जाती हैं, केंद्र की तरफ चलने लगती है और इसको क्या कहते हैं साइक्लोन कहते हैं। हमने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशाएं वायु की दिशाएं कैसी होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज होती है और इनका आकार अंडाकार या यू अक्षर के समान होता है। इसी की तरह एक प्रति चक्रवात और होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि समदाब रेखाओं से घिरा हुआ उच्च वायुदाब का केंद्र, यानी कि चक्रवात में जो केंद्र में वायुदाब है वो कम होता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में वायुदाब क्या होता है ज़्यादा होता है और वायुदाब बाहर की ओर घटता जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से किधर चलती है परिधि की ओर चलती है। ये किधर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च दाब के क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रति चक्रवात ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और जो इक्वेटोरियल रीजन है यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर प्रति चक्रवातों का पूर्णतः अभाव होता है। प्रति चक्रवातों का पूर्णतः अभाव कहाँ, भूमध्य रेखाओं पर प्रति चक्रवातों का पूर्णतः अभाव होता है और इनके केंद्र में उच्च दाब होता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यदि कदाचार या दुराचार के आरोप लगते हैं, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध दुराचार के आरोप लगाए एक महिला ने और 22 जजों को चिट्ठी लिख दी, तो उसी संबंधित कुछ फैक्ट्स वी विल कवर। इसमें सबसे जो प्रोसीजर है जो इंडियन जुडिशरी ने फॉलो किया उस प्रोसीजर का नाम दिया कि इन हाउस प्रोसीजर कहा गया। इन हाउस प्रक्रिया के माध्यम से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ लगे कदाचार या दुराचार के आरोपों को निपटाया जाता है, उनका सुलटारा किया जाता है। ठीक है, अब अधिकांश शिकायतें क्या होती हैं न्यायिक आचरण से संबंधित होती हैं। क्यों फॉलो किया गया, क्योंकि अधिकांश शिकायत ऐसी होती है कि किसी को मान लें खिलाफ डिसीजन दिया है तो उस पर उस जज पर दुराचार का आरोप लगा दो, तो इसलिए इन हाउस प्रक्रिया फॉलो की गई। इस इन हाउस प्रक्रिया का मोटो क्या है, दो उद्देश्य क्या है, तो इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये कि भाई इसके अंदर जो जाँच की जाती है वो साथी न्यायाधीशों के द्वारा ही की जाती है और उसमें जो बाहरी एजेंसी उसका कोई इंटरफेयर नहीं होता, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। दूसरी इसके अंदर क्या होता है कि इसके इन हाउस प्रक्रिया से लोगों को जागरूक किया जाता है और इसके साथ साथ इस जागरूकता से न्याय प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बना रहता है। एक तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है क्योंकि बाहरी लोगों का इसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता और सेकेंड इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बना रहता है। ये इसके दो मोटे हैं। अब इस प्रोसीजर के बारे में कि ये इन हाउस प्रक्रिया कब अपनाई गई थी, तो इन हाउस प्रक्रिया 1999 में न्यायालय में एक प्रस्ताव द्वारा इस इन हाउस प्रक्रिया को अपनाया गया था। 5 न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने प्रस्ताव दिया था कि इस इन हाउस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। 2014 तक इस इन हाउस प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद में 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट ने के बेंच ने पारदर्शिता के लिए इन हाउस प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की अनुमति दी और रजिस्ट्री ने इसको सार्वजनिक किया। तो कब किया, 2014 में इसको इन हाउस प्रक्रिया को सार्वजनिक किया और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 से इसकी शुरुआत हो गई। अब ये इन हाउस प्रक्रिया कैसे काम करती है, इन हाउस प्रक्रिया काम करती है कि मान लो हाई कोर्ट से शुरू करते हैं, हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ दुराचार की शिकायत मिलती है, ये शिकायत मिल सकती है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलती है तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले उस जज का पक्ष सुनता है, यदि उस जज के पक्ष से संतुष्ट होता है तो शिकायत को वो वहीं खारिज कर सकते हैं और यदि उस जज के पक्ष से संतुष्ट नहीं होता तो वो इसकी सूचना भारत का जो चीफ जस्टिस है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको इसकी सूचना देता है और उसमें कहता है कि भाई इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस प्रक्रिया जब चीफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जब ये सूचना प्राप्त हो जाती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश 3 जजों की एक कमेटी गठित करता है। 3 जजों की कमेटी में 2 जज हाई कोर्ट के होते हैं, एक जज तो उसी हाई कोर्ट का और दूसरा जज दूसरे हाई कोर्ट का होता है, इसके अलावा इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। इन 3 जजों की कमेटी इस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ मामलों की जांच करती है। इसके अलावा मान लो शिकायत डायरेक्ट CJI को प्राप्त हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश को डायरेक्ट यदि CJI प्राप्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ये सूचना या ये शिकायत कहाँ भेजता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास पहले भेजता है और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वही प्रक्रिया फॉलो करता है, पहले उस जज को बुलाता है, उससे पूछता है कि भाई ये सही है या नहीं, यदि संतुष्ट होता है ठीक है मामला वहीं खत्म, यदि संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो CJI को रिपोर्ट करता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है और CJI फिर से वो 3 जजों की कमेटी का गठन करता है। अब यदि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ प्राप्त, यदि ये टिप्पणी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्राप्त हो तो फिर क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्राप्त होती है तो CJI हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पक्ष जानता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पक्ष संतुष्ट होता है तो मामला वहीं खत्म और यदि संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो 3 जजों की कमेटी का गठन किया जाता है। इस 3 जजों की कमेटी में 1 जज सुप्रीम कोर्ट का होता है और 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 जजों की कमेटी का गठन किया जाता है और
इस तीन जजों की कमेटी का काम क्या है? ये क्या है कि तथ्यों की जांच करने की कमेटी है, यानी कि एक तरह से ये न्यायिक कार्रवाई या जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है, तो इसके अंदर उस जज को भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। नहीं, उस जज को तो उपस्थित होने की अनुमति है, लेकिन इसके अंदर जिरह बहस या कोई एडवोकेट ला करके उसे बहस करने की, यानी कि एक न्यायिक प्रोसीजर नहीं, तो बहस इसके अंदर नहीं होती। वो जज जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए उसको अपने पक्ष रखने की अनुमति इस जुडिशियल कमेटी के अंदर होती है, जिसमें दो मुख्य न्यायाधीश, दो हाईकोर्टों को और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो ये तो हाईकोर्ट के जजों के, भाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो क्या होगा, हाईकोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो क्या होगा, तीन तीन सदस्यों की कमेटी बनी। अब यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ यदि ये मामला है, तो उसमें भी यही फॉलो किया जाएगा प्रोसीजर। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ यदि ये मामला है तो वो तीन जजों की कमेटी बनाएगी, लेकिन इन तीन जजों की कमेटी में कौन शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसके अंदर शामिल होंगे, हाईकोर्ट के जज का इसके अंदर कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब यदि यही शिकायत CGI के खिलाफ मिलती है, जैसे कि हाल ही में मिली है हमारे CGI के खिलाफ, तो फिर उस प्रक्रिया का इस इन हाउस प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है कि यदि CGI के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो फिर उस कंडीशन में ये इन हाउस प्रक्रिया कैसे काम करेंगे। तो CGI के खिलाफ शिकायतों के निपटारे संबंधित इन हाउस प्रक्रिया में कोई अलग प्रावधान नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ लियो भाई कि इन हाउस प्रक्रिया में CGI के खिलाफ आरोपों को जाँच के लिए कोई प्रावधान नहीं, तो कोई अलग से प्रावधान नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि भाई जज हाईकोर्ट के जज के खिलाफ मिलती है तो शुरुआत में उससे पूछेंगे, यदि संतुष्ट है तो मामला खत्म, नहीं है तो फिर CGI को बताएगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। CGI तीन सदस्यों कमेटी गठित करेगा, जिसमें दो सदस्य हाईकोर्ट के होंगे, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मिलते तो वही बात, CGI हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुँचेगा कि अगर उसके बाद से या उसके जो फैक्ट्स हो रखते हैं उससे संतुष्ट तो मामला खत्म, संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक कमेटी का गठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे, दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दो अलग अलग हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इसके अलावा इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ शिकायत मिलती है तो वही तीन सदस्य कमेटी बनेगी, लेकिन इन तीन सदस्य कमेटी में तीनों जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और इस इन हाउस प्रक्रिया में CGI के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि अगर उसके खिलाफ शिकायत मिले तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब इसके आउटकम्स क्या होते हैं, इसके आउटकम्स क्या होते हैं कि ये जो जजों कमेटी है ये पाती है कि भाई वो जज के खिलाफ जो शिकायत वो सही है, तो उस जज को वारंट किया जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई इस्तीफा दे दिया जाए। यदि वो जज इस्तीफा दे देता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। और यदि वो पद नहीं छोड़ता है तो फिर उसको महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो न्यायिक कार्यों से हट जाने को उसको कहा जाएगा, या जज को न्यायिक कार्यों से हट जाने को कहा जाएगा, और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। यानी कि अगर आरोप सही पाए जाते हो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और अगर ये मान लो तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। दैट इज इन हाउस प्रक्रिया जो 1999 में शुरू हुई और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सार्वजनिक कर दिया। तो ये न्यायपालिका की अखंडता स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शुरू की गई। तो ये जो अभी केस चल रहा है उसके अंदर अगर सही जाँच होती है, दैट इज मस्ट नेसेसरी फॉर फ्रीडमनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी। दैट इज आवर टूडेज लेक्चर सीरीज, होप सो यू लाइक इट। यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि ये चैनल वैल्यूबल लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, इन हाउस प्रक्रिया की शुरुआत कब से हुई? सेकंड, यदि इन हाउस प्रक्रिया में कोई जज दोषी पाया जाता है तो इसकी सूचना किसको दी जाती है, इसकी सूचना किस किस को दी जाती है? हाल ही में कौन से देश ने कफाला प्रणाली को ख़त्म करने की घोषणा की, हाल ही में कौन से देश ने कफाला प्रणाली को ख़त्म करने की घोषणा की है? यदि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कदाचार के आरोप लगते हैं तो उसकी जाँच के लिए जो कमेटी बनती है उसमें कौन कौन जज शामिल होते हैं, उस कमेटी में कौन कौन से जज शामिल होते हैं, और कितने जजों की कमेटी होती है? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइट डे।